अस्सलाम वालेकुम, रोज़मर्रा कुकिंग में वेलकम करती हूँ जनाब। आज बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हार्डीज़ का जलापीनो बर्गर। तो जनाब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है, आराम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो जनाब मेरे पास जो है वो 2 kg है बीफ का कीमा, और 1 cup हमने ले लेना है ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे मेरे पास है नमक 2 चम्मच लिया है मैंने, और ये है मेरे पास पिसी हुई काली मिर्चें 2 चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 2 चम्मच जो है मैंने वो ली है लाल मिर्चें, तो 2 चम्मच थाइम और 2 ही चम्मच ऑरिगैनो। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है वो ले ली हैं, और अब इन सब चीज़ों को मैं कीमे के साथ चॉपर में डालकर और इसका मैं जो है वो अच्छे से जो है ना इसको पीस लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। तो अब ये जो है सब चीज़ें डाल के मैंने और मशीन को चला दिया है। अच्छे से चॉप करने के बाद इसको मैं कीमा निकाल लिया मैंने, और इसकी मैं जो है वो अब जो है इस तरह से पेटी बना लूँगी। तो उसके बाद अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई भी कर सकते हैं आप, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जो है मैं इसमें डाल रही हूँ, और आपको आपके ऊपर है कि आपको इसको कितना जो है वो मोटा रखना है पैटी को या बारीक रखना है। मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, तो यह है कि अब मैंने जो है एक साइड से पलट दिया। इसको बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत ही डिफरेंट सा जो है वो बर्गर है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है यकीन करें, तो एक दफ़ा ट्राई करना मस्ट है। तो जनाब कबाब फ्राई हो चुके हैं, मैं इसके जो है ड्रेसिंग की तरफ आती हूँ। 1000 आइसलैंड में बता रही हूँ आपको। तो इसके लिए है 2 चम्मच ये मैंने लिया गार्लिक मायो, और 2 चम्मच केचप, 1/2 cup मैंने लिया मायोनीज़, यहाँ पे 2 चम्मच मैंने चिली सॉस लिया है, 1 lemon लिया है, और पिंच तकरीबन सॉल्ट है ये मेरे पास। तो ये सारे सॉसेज हैं, और ये मेरे पास जो है वो बारीक गोभी मैंने काट ली है, और मैं इन सब सॉसेस को जो है इसमें गोभी में मिक्स कर दूंगी। अगर आप लोगों को गोभी पसंद नहीं हो तो आप सिर्फ मतलब ये सब चीज़ों को सॉसेस को मिक्स करके और वैसे ड्रेसिंग तैयार कर लें, लेकिन मैं जो है मेरे घर में पसंद की जाती, तो इसलिए मैं गोभी के अंदर ही सब चीज़ों को मिक्स करके और इसकी जो है ये ड्रेसिंग तैयार कर लूँगी बर्गर की। बहुत ही बेहतरीन ड्रेसिंग है होती है ये भी, बर्गर की जान है कह लें ये। तो इसको जो है मैं सब चीज़ें इसमें एक एक करके डाल रही हूँ, उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और ये जलापीनोज़ हैं मेरे घर के बने हुए, तो ये मैंने थोड़े ले रही हूँ मैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो आप अलग से भी ऊपर बर्गर में जो है वो लगा दीजिएगा, मैंने इसी के अंदर ही डाल दिए तो ताकि अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए और सब जगह लग जाए। तो अब चलें असेंबलिंग की तरफ आते हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है सबसे पहले पैटी रख रही हूँ, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चीज़ स्लाइस, आपके पास होगा तो डाल दीजिए वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो चीज़ स्लाइस डालने के बाद अनियंस रख रही हूँ मैं, अनियन रिंग्स, आप टमाटर भी रख सकते हैं और उसके अलावा जो भी कुछ सैलेड में पसंद हो आपको। और ये मैं इसके ऊपर जो है इसकी ड्रेसिंग डाल रही हूँ। तो जनाब बर्गर मेरा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। जिन्होंने जलापीनो बर्गर खाया हुआ है हार्डीज़ का उन्हें पता होगा। तो जनाब इतना महंगा बर्गर जाके खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे आसान तरीके से बनाइए और इंजॉय कीजिए, और पूरी फैमिली के साथ जो है ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आगे आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा जो भी न्यू देखने वाले हैं। और जो है जनाब अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।